बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मेरा उबैदुल्ला नाम है और हम मिलकर ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस। ये इसका चैप्टर नंबर 10 है। आप यहाँ हेडिंग में देख सकते हैं, चैप्टर 10, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। तो ये चैप्टर नंबर 10 है और चैप्टर नंबर 10 इस हवाले से है कि आपने दो पॉपुलेशन अगर हो, अगर आपके पास दो पॉपुलेशन हो और उनके रिलेटेड पैरामीटर के दरमियान डिफरेंस को आपने एस्टीमेट करना हो तो आप कैसे करें, एस्टीमेट करना हो उसके हवाले से कोई टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस का काम करना हो तो कैसे करेंगे। इसकी इब्तिदा से ही एक मिसाल ले लें। सपोज आप ये देखना चाहते हैं कि 10वीं क्लास में स्टूडेंट्स को आप दो ग्रुप में डिवाइड कर लेते हैं। एक को आप मेल स्टूडेंट्स कह रहे हैं, ये एक अलग पॉपुलेशन, और एक को आप फीमेल स्टूडेंट कहते हैं, ये एक अलग पॉपुलेशन। तो आप दो पॉपुलेशन हो गए, और 10th क्लास में मेल स्टूडेंट और 10th क्लास में फीमेल स्टूडेंट, ये दो पॉपुलेशन हो गए। अब आप इनके दरमियान डिफरेंस को, कोई भी डिफरेंस, कोई भी दो पैरामीटर हैं जो रिलेटेड पैरामीटर हैं, जैसे आप कहते हैं कि जी 10वीं क्लास में एवरेज मार्क्स मेल स्टूडेंट के और 10वीं क्लास में एवरेज मार्क्स फीमेल स्टूडेंट के, तो ये जो आप इन पैरामीटर को आप कंपेयर करना चाहते हैं, तो या बिलफर्ज आप कहते हैं कि 10वीं क्लास में मेल स्टूडेंट्स का, मेल स्टूडेंट में जो ओ नेगेटिव ब्लड वाले हैं उनका प्रोपोर्शन, और 10वीं क्लास में फीमेल स्टूडेंट्स के में जो ओ नेगेटिव वाली स्टूडेंट्स हैं उनका प्रोपोर्शन। तो अगर आप इन प्रोपोर्शन को कंपेयर करना चाहते हैं तो इस चैप्टर में ये बताया जाएगा। इतना मैं बताता जाऊँ कि इस चैप्टर में ये जो मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ ये सिर्फ थ्योरी से मुतालिक है, ज़्यादातर फार्मूले हैं ओवरऑल पूरे चैप्टर के। और सॉल्व प्रॉब्लम के लिए मैं आपको अलग से वीडियोस बना के दूंगा, क्योंकि अगर सॉल्व प्रॉब्लम भी मैं इसके अंदर रखूँ, एक तो ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है, एक और उससे ज़्यादा बड़ा मसला ये होता है कि एक पर्टिकुलर वीडियो पर सॉल्व क्वेश्चन पर पहुंचना स्टूडेंट के लिए नस्बतन मुश्किल होता है। तो चलें शुरू करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अलबत्ता आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पर मैंने एक YouTube चैनल का लिंक दिया हुआ है, इस चैनल का नाम है वर्क। ये मेरा YouTube चैनल है और ये वर्क का एड्रेस है। ये वीडियोस जितनी मैं बना रहा हूँ सारी मैं वर्क पे अपलोड कर रहा हूँ, तो आप वहाँ जाके इन वीडियोस को सर्च कर सकते हैं, ठीक है ना जी। वहाँ पर जाके इन वीडियोस का आप सर्च कर सकते हैं। बाकी ये इस पर्टिकुलर वीडियो का ये यूट्यूब का एड्रेस नहीं है, वो एड्रेस अलग से है, वो मैं अभी आपको बता देता हूँ कि वो मैं कैसे करूँगा आपको। वैसे आप लोगों को थोड़ा बहुत पहले भी पता है, मैं आपको एक लेटर लिखता हूँ और उसमें वो लिंक्स मौजूद होते हैं। ये जो चैप्टर 10 आप पढ़ रहे हैं इसमें ये टॉपिक्स कवर किए गए हैं, ये मुख्तलिफ 10.1 अलग टॉपिक को कवर कर रहे हैं, 10.2 अलग को, 10.3, 10.4। तो ओवरऑल ये पूरा चैप्टर है। ये जो अभी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये इस पूरे चैप्टर के थ्योरी को, उसके मुख्तलिफ फार्मूले और इस किस्म की इब्तदाई डिस्कशन जो है थ्योरी के पोर्शन, लेकिन न्यूमेरिकल पोर्शन को ये कवर नहीं कर रहा। अभी जो मैं बता रहा हूँ ये सिर्फ थ्योरी के पोर्शन को, इस केस में क्या फार्मूला होगा और उस केस में क्या फार्मूला होगा, इस तरह की बातें, लेकिन ये न्यूमेरिकल पोर्शन को कवर नहीं कर रहा, ठीक है जी। ये हो गई बात। अलबत्ता इसके हवाले से मैं आपको जब लेटर लिखूंगा तो वो लेटर ये होगा, ठीक है। और इस लेटर में आप
ये कुछ वीडियोस देख रहे हैं, सीरियल नंबर 0 पे ये जो वीडियो है ये वही है जो मैं अभी बना रहा हूँ, इन्फ्रेंस थ्योरी के हवाले से कंसर्निंग डिफरेंस ऑफ रिलेटेड पैरामीटर्स। ये चैप्टर 10 में, इसी चैप्टर में जो इन्फ्रेंस की जो थ्योरी है उस पर वीडियो बन रही है, और इंशाल्लाह इसका यही नाम होगा, ठीक है ना। इसका लिंक यूट्यूब का लिंक मैं इधर लिख कर जब आपको ये लेटर भेजूंगा तो यहाँ उसका लिंक मौजूद होगा, ठीक है जी। तो ये तो मौजूद है और ये पूरे के पूरे चैप्टर से मुतालिक है। इसके बाद बाकी ये 10.1 का जो पोर्शन है, 10.1 का जो पोर्शन है उसके हवाले से सॉल्व प्रॉब्लम, उसकी थ्योरी की ये यहाँ पर थ्योरी तो इधर ही कवर हो जाएगी, लेकिन इस पोर्शन का, इस 10.1 पोर्शन का जो प्रैक्टिकल इसके क्वेश्चन सॉल्व करने की बात होगी तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, 10.1 का इधर 1 में बताऊंगा, और इसका यह नाम होगा इन्फ्रेंस अबाउट म्यू 1 माइनस म्यू 2, यानी यह डिफरेंस इन मीन्स है विद नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और इंडिपेंडेंट सैंपल वाले केस, ठीक है ना जी। तो ये आपको यहां पर कवर होगा। अच्छा जी, इसके बाद ये है आपके पास 10.2 वाला, ये जो केस है, ये जो केस है 10.2 की थ्योरी तो यहाँ अभी वीडियो में रिकॉर्ड करूँ इसी में कवर हो जाएगी, लेकिन न्यूमेरिकल कहाँ पर होगा, न्यूमेरिकल ये 2 के सामने देखिए ये जो नाम होगा उसका, इन्फ्रेंस अबाउट म्यू 1 माइनस म्यू 2 विद टी डिस्ट्रीब्यूशन इंडिपेंडेंट सैंपल्स, ठीक है। और लिंक उसका यहाँ पर होगा, ठीक है, इंशाल्लाह जब ये लेटर मैं आपको भेजूंगा। इसी तरह 10.3 है और 10.4, तो 10.3 के वीडियो यहाँ पर होगी और 10.4 की वीडियो यहाँ पर होगी और लिंक उनके यहाँ यहाँ पर होंगे, ठीक है। 10.3 में भी कुछ मटेरियल डिस्कस हो रहा है और यहाँ पर भी मटेरियल डिस्कस हो रहा है। अच्छा जी, अब मैं थोड़ा सा बताता जाऊँगा 10.1 क्या डिस्कस कर रहा है, 10.2, 10.3, 10.4 ये क्या क्या डिस्कस कर रहा है। 10.1 और 10.2 ये दोनों इंडिपेंडेंट सैंपल वाले केस है, ये दोनों इंडिपेंडेंट सैंपल वाले केस हैं, ठीक है ना जी। और 10.3 जो है ये डिपेंडेंट सैंपल वाला, ये दोनों इंडिपेंडेंट का है और ये डिपेंडेंट का है, ठीक है ना। ये मेज सैंपल्स का मतलब डिपेंडेंट सैंपल्स, तो पहले ये दोनों इंडिपेंडेंट सैंपल वाले केस है, ये डिपेंडेंट सैंपल वाला केस। अच्छा, इन दोनों में खुद क्या फर्क है कि यहाँ पर जो है पॉपुलेशन स्टैंडर्डाइजेशन नोन है और यहाँ पॉपुलेशन स्टैंडर्डाइजेशन नोन नहीं है, ठीक है ना। अगर इंडिपेंडेंट सैंपल केस हो और पॉपुलेशन स्टैंडर्डाइजेशन नोन हो तो हम जेड डिस्ट्रीब्यूशन जो स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी मदद से टेस्टिंग भी उसकी मदद से करते हैं और एस्टिमेशन भी उसकी मदद से करते हैं। यहाँ पर स्टैंडर्ड नॉर्मल यानी जेड डिस्ट्रीब्यूशन इस्तेमाल होगा। और अगर इंडिपेंडेंट सैंपल केस हो और पॉपुलेशन स्टैंडर्डाइजेशन नोन ना हो तो फिर बात हम करते हैं टी डिस्ट्रीब्यूशन की। तो यहाँ पर जो है ना पॉपुलेशन स्टैंडर्डाइजेशन जब अननोन हो तो इसके लिए सारा काम टी डिस्ट्रीब्यूशन से होगा और वो हम अलग से पढ़ेंगे इसके हवाले से। अगर पॉपुलेशन ये दो सैंपल जो आपने लिए हैं ये इंडिपेंडेंट ना हो, ये सैंपल्स इंडिपेंडेंट ना हो तो फिर हम उसको टी डिस्ट्रीब्यूशन से ही करेंगे, लेकिन उसका तरीकाकार थोड़ा सा मुख्तलिफ हो जाएगा, वो इंशाल्लाह डिटेल तरीकाकार अलग आ रहा है। अलबत्ता एक बात कि इसमें स्टूडेंट पूछ सकता है कि जी इधर इंडिपेंडेंट सैंपल है यहाँ डिपेंडेंट सैंपल है, फर्क क्या है इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट सैंपल में, तो ये थोड़ा सा समझाना जरूरी है। आप इस तरह समझें कि आप 10वीं क्लास के स्टूडेंट्स के एवरेज मार्क्स कंपेयर कर रहे हैं, एक पॉपुलेशन है आपके पास मेल स्टूडेंट का, एक आपके पास फीमेल स्टूडेंट का। अब आपने एक से सैंपल लिया तो जाहिर है कि वो सारे मेल आ गए, दूसरे से सैंपल लिया तो सारे फीमेल आ गए। अब एक सैंपल में जो लोग आए हैं दूसरे सैंपल में जो लोग आए हैं उनका आपस में कोई ताल्लुक नहीं है, वो अलग अलग पॉपुलेशन से आए हैं, ठीक है। तो फिर हम कहेंगे कि दीज टू सैंपल्स आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम अदर, लेकिन यहाँ पर ऐसे नहीं होता, यहाँ पर 10.3 में इस तरह नहीं होता। 10.3 एक खास किस्म के केस को डिस्कस करता है जिसको हम, आप मेरे अल्फाज याद रखें, कोई इस तरह की सिचुएशन के जैसे जिसमें एक खास मतलब है कोई बिफोर आफ्टर वाली सिचुएशन। बिफोर आफ्टर का क्या मतलब है, सपोज कुछ लोग हैं
और उनका वो अपने जिस्म का वजन कम करना चाहते हैं, ठीक है ना जी। और एक स्पेशलिस्ट है, उसने उनके लिए खास किस्म की डाइट डिजाइन की हुई है, और जो ए मतलब है कि उन्होंने 5-6 हफ्तों तक वो उसी डाइट पे रहना, ठीक है, और उससे वो कह रहे कि वजन काफी कम हो जाएगा। तो आपने वो डाइट पर डालने से पहले उनका वजन कर दिया, ये देखें, ये बिफोर आफ्टर, डाइट शुरू करने से पहले वजन कर लिया, उसके बाद 5-6 हफ्ते वो डाइट पे रहे और उसके बाद वजन कर लिया। अब डाइट पे जाने से पहले भी जिस बंदे का वजन किया, डाइट पर खत्म होने के बाद उसी बंदे का वजन करना, तो ये दो अलग अलग बंदे नहीं है। यहां पर एक तरफ मेल था, एक तरफ फीमेल, वो बिल्कुल अलग अलग थे, एक सैंपल में कोई और थे, दूसरे सैंपल में कोई और थे। यहां बिफोर आफ्टर में, बिफोर में जो था आफ्टर में वही था, बिफोर में जिसका वजन मालूम किया आफ्टर में उसी का वजन मालूम किया, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन हो जाए तो हम कहते हैं ये सैंपल मेस्ड है, ये सैंपल डिपेंडेंट है। तो डिपेंडेंट सैंपल वाला केस इधर डिस्कस होगा। अब ये जो आखिरी 10.4 सेक्शन है, ये बाकी सबसे मुख्तलिफ है, इन दोनों से भी और इससे भी मुख्तलिफ है, क्योंकि 10.1, 10.2 और 10.3 तीनों जो है μ1 माइनस μ2 को, यानी दो पॉपुलेशन के मीन को डिस्कस कर रहे हैं। बिलफर्ज μ1 मेल को मीन को, μ2 फीमेल के मीन को, बिलफर्ज एवरेज मार्स को या कोई और एवरेज है उसको डिस्कस कर रहे हैं। ये जो है एवरेज को नहीं, ये प्रोपोर्शन को डिस्कस कर रहे हैं, P1 और P2 को, ठीक है ना। एक पॉपुलेशन में प्रोपोर्शन और दूसरे में प्रोपोर्शन। बिलफर्ज ये P1 ये हो सकता है कि जी हमारे पास मेल स्टूडेंट में ओ नेगेटिव ग्रुप वालों की परसेंटेज कितनी है, और P2 ये हो सकता है कि फीमेल पॉपुलेशन में हमारे पास ओ नेगेटिव ग्रुप वालों की प्रोपोर्शन कितनी है, ठीक है। तो अब की दफा जो है ना, ये एवरेज नहीं है, ये प्रोपोर्शन की बात हो रही है, परसेंटेजेस की बात हो रही है। तो ये जो है ना, ये 10.4 बाकी 10.1, 2 और 3 सबसे मुख्तलिफ है, क्योंकि पहले तीनों में मीन की बात हो रही है और इसमें प्रोपोर्शन की बात हो रही है। सो इन्फ्रेंस अबाउट मीन एंड प्रोपोर्शन, ये जो मीन्स की बात है 10.1, 10.2 और 10.3 तीनों में हो रही है, और प्रोपोर्शन की बात 10.4 में हो रही है। तो होपफुली आपको ओवरऑल तो कुछ ना कुछ समझ आ गया होगा। अब इनमें से हर एक में क्या क्या फार्मूले हैं, थोड़ी सी डिटेल वो हम आगे बता रहे हैं आपको। ये 10.1 वाला है, ठीक है ना, इन्फ्रेंस अबाउट डिफरेंस बिटवीन टू पॉपुलेशन मीन्स, और ये इंडिपेंडेंट सैंपल डिजाइन है विद σ1 एंड σ2 नोन, σ1 एंड σ2 नोन, ठीक है। अगर आप पीछे जाके देख लें तो इसमें है इन्फ्रेंस अबाउट डिफरेंस बिटवीन टू पॉपुलेशन मीन्स, σ1 एंड σ2 नोन। वैसे मैंने बताया कि 10.1 और 10.2 दोनों इंडिपेंडेंट वाले हैं, सिर्फ 10.3 वाला डिपेंडेंट है। तो अभी हम σ1 और σ2 नोन की बात कर रहे हैं, तो ये 10.1 वाला है जो अभी मैं बता रहा हूँ, ये 10.1 वाला है, क्योंकि इसमें σ1 और σ2 नोन है। अभी मैं थोड़ी देर में एक दो स्लाइड में इसके फार्मूले वगैरह तो इधर ही बता दूंगा, लेकिन प्रैक्टिकली वो फार्मूले किस तरह इंप्लीमेंट होते हैं क्वेश्चन में ऊपर से, तो उसके लिए आप ये वीडियो देखेंगे वर्क पे जाके, ठीक है ना। मेरा चैनल वर्क पे जाके आप इस नाम की वीडियो सर्च करेंगे, ठीक है। इन्फ्रेंस अबाउट μ1 माइनस μ2 विद नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इंडिपेंडेंट सैंपल, ठीक है ना जी। और ये वीडियो कहाँ पर है, ये वर्क में मैं आपको बताऊँ, और जहाँ पर ये भी मैं बताता जाऊँ कि जब मैं आपको ये लेटर लिखूंगा तो 10.1 की ये वीडियो है, तो ये वाली वीडियो है, और इसका लिंक मैं यहाँ पर रखूंगा अभी, ये इसका लिंक मैं यहाँ रखकर आपको ये लेटर भेजूंगा, ठीक है ना जी। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जहाँ तक हो सके आपके लिए काम आसान हो जाए। तो अभी आपको जो फार्मूले बता रहे हैं इसका थोड़ा सा उसका जिक्र कर लें। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि जो पॉपुलेशन पैरामीटर हम एस्टिमेट कर रहे हैं अभी, वो 10.1 वाले केस में जो पॉपुलेशन पैरामीटर हम एस्टिमेट कर रहे हैं वो है μ1 माइनस μ2, और μ1 माइनस μ2 का क्या मतलब है। μ1 बिलफर्ज एवरेज मास है मेल स्टूडेंट के, और μ2 एवरेज पॉपुलेशन मास है फीमेल स्टूडेंट के, ये पॉपुलेशन के हैं, ये भी और ये भी।
तो ये इसका मतलब है कि पॉपुलेशन मास ऑफ मेल स्टूडेंट माइनस पॉपुलेशन मास ऑफ फीमेल स्टूडेंट, तो इन दोनों का डिफरेंस जो है ना, ये हमारा असल पॉपुलेशन पैरामीटर है जो अननोन है और हम उसको एस्टिमेट कर रहे हैं। अननोन इसलिए कि ना हमें तमाम मेल स्टूडेंट का एवरेज मास क्या है यह हमें पता नहीं, तमाम के तमाम फीमेल स्टूडेंट का एवरेज मास क्या है यह हमें पता नहीं, क्योंकि सबको तो हमने स्टडी नहीं किया, हमने तो सैंपल को स्टडी किया। तो ये हमारा अननोन पॉपुलेशन पैरामीटर है। इसको एस्टिमेट करने के लिए हम क्या करते हैं, मेल स्टूडेंट का सैंपल लेकर उसका मीन मालूम करते हैं, मीन मार्स, फीमेल स्टूडेंट का सैंपल लेकर उसके मीन मार्स मालूम करते हैं, और फिर हम क्या करते हैं कि मेल के मार्स से फीमेल के मार्स माइनस कर लेते हैं। तो ये एक्स वन बार माइनस एक्स टू बार ये पॉइंट एस्टिमेटर है इस चीज का, ये एक्स वन बार माइनस एक्स टू बार पॉइंट एस्टिमेटर है इस चीज का, म्यू वन माइनस म्यू टू का। और चूंकि ये डिस्कशन हमारे दरमियान कई दफा पहले भी हो चुकी है कि एस्टिमेटर जो है ये एक स्टैटिस्टिक होता है और स्टैटिस्टिक वेरिएबल होता है। वेरिएबल का मतलब ये है कि इट वेरीज फ्रॉम वन सैंपल टू अनदर, और जब ये वेरिएबल होता है तो उसका स्टैंडर्डाइजेशन होगा, स्टैटिस्टिक के जो स्टैंडर्डाइजेशन है उसको हम स्टैंडर्ड एरर कहते हैं, और इसका ये फार्मूला है, इस स्टैटिस्टिक के स्टैंडर्ड एरर का ये फार्मूला है, सिग्मा वन स्क्वायर बाई एन वन प्लस सिग्मा टू स्क्वायर बाई एन टू होल अंडर द रूट। और आखिरी बात यह कि ये हमारे पास वेरिएबल है, ये उसका स्टैंडर्डाइजेशन का या स्टैंडर्ड एरर का फार्मूला है, और ये कि ये जो वेरिएबल है इट इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी वो बेल शेप डिस्ट्रीब्यूशन इसकी बनती है, ये उसका मीन होता है और ये उसका स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। तो ये थ्योरी की थोड़ी सी बातें हैं कि जो आपसे मैंने डिस्कस कर ली। एक तो चंद एक बातें ये, इसके बेस पे पॉइंट एस्टिमेट का तो हमने यहाँ पर जिक्र कर लिया, लेकिन अब इसके इंटरवल एस्टिमेटर का जिक्र करना है और टेस्टिंग ऑफ बात इसका जिक्र करना है, वो मैं अगले स्लाइड में कर देता हूँ। इंटरवल एस्टिमेशन एंड टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। इंटरवल एस्टिमेशन के लिए मुझे एक चीज चाहिए, वो है मार्जिन ऑफ एरर। मार्जिन ऑफ एरर में एक तो वैल्यू वो होती है जो जेड टेबल से आती है या एक्सेल से आती है ये, और दूसरा स्टैंडर्ड एरर या स्टैंडर्ड डेविएशन ये, इन दोनों का प्रोडक्ट को हम मार्जिन ऑफ एरर कहते हैं। वो जो क्वेश्चन आप देखेंगे तो उसमें ये डिटेल मालूम हो जाएगी कि इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये मार्जिन ऑफ एरर का फार्मूला है। और कॉन्फिडेंस इंटरवल आप क्या करते हैं, इसमें दो चीजें होती हैं, एक ये पॉइंट एस्टिमेटर जो आप पिछले स्लाइड में देख चुके हैं, ये पॉइंट एस्टिमेटर प्लस माइनस मार्जिन ऑफ एरर, मार्जिन ऑफ एरर ये, ठीक है ना। तो ये आंसर भी आप पीछे से लेते हैं पिछले स्लाइड से, और ये आंसर भी, और आपको जब डिटेल में क्वेश्चन आप देखेंगे तो आपको इसकी कैलकुलेशन समझ आ जाएगी, इससे आपको इसका इंटरवल एस्टिमेट मिलेगा। आखिरी बात ये कि टेस्ट स्टैटिस्टिक का हमारे पास ये फार्मूला है, एक्स वन बार माइनस एक्स टू बार डिवाइडेड बाई वही स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। तो ये भी सारा फार्मूला जो है ये टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस में इस्तेमाल होता है, ठीक है ना जी। और ये फार्मूला हम इसी स्टैटिस्टिक में ये 10.1 में जो मटेरियल है उसी में इस्तेमाल होगा। बाकी इसके डिटेल क्वेश्चन के लिए मैंने जगह बता दी है, आपने कौन सा क्वेश्चन देखना है इंशाल्लाह मैं अपलोड कर दूंगा, तो लिंक भी आपके लिए अपडेट करके आपको भेज दूंगा। तो ये तो था 10.1 वाला हमारा काम, होपफुली आपको कुछ कुछ समझ आ जाएगी। अब हम 10.2 पे जाते हैं। अब आप देख रहे हैं कि मैं बड़ी जल्दी जल्दी इसको ख़त्म कर रहा हूँ। 10.2 में हमारे पास अगेन वही बात आ गई, इन्फ्रेंस अबाउट डिफरेंस बिटवीन टू पॉपुलेशन मीन्स। यहाँ तक तो वही पुरानी की पुरानी बात है, ये बात भी पुरानी है इंडिपेंडेंट सैंपल डिज़ाइन, क्योंकि पिछले में भी इंडिपेंडेंट सैंपल डिज़ाइन था, लेकिन वहाँ सिग्मा वन और सिग्मा टू नोन था, अब ये नोन नहीं रहा, सिग्मा वन एंड सिग्मा टू नॉट नोन। इसके लिए जो यूट्यूब पे आप वीडियो देखेंगे मेरे चैनल वर्क पे, उसका नाम ये है, ये नाम है इसका, ठीक है ना जी। तो आप वर्क पे जाके इस नाम की वीडियो सर्च करेंगे और उसके बाद जो है उसको वॉच करेंगे, तो आपको ये जो मैं अभी फार्मूले बता रहा हूँ सिग्मा वन सिग्मा टू अननोन वाले और इंडिपेंडेंट सैंपल डिज़ाइन वाले, टी डिस्ट्रीब्यूशन का बेसिकली है ये, इसमें म्यू वन माइनस म्यू टू की एस्टिमेशन है विद टी डिस्ट्रीब्यूशन, म्यू वन माइनस म्यू टू की एस्टिमेशन है विद टी डिस्ट्रीब्यूशन। और टी डिस्ट्रीब्यूशन क्यों, क्योंकि सिग्मा वन और सिग्मा टू हमें अननोन है।
उसके लिए हमें जो है आप वर्क पे जाकर इस पर्टिकुलर वीडियो को देखेंगे। मैं बहुत एहतियात कर रहा हूँ कि ये नाम मैं बिल्कुल बस सोच समझ कर रखूँ और एक दफ़ा रख लूँ और फिर मैं बार बार ना बदलूँ ताकि आप लोगों को सर्च वगैरह में आसानी हो। अभी कौन से फार्मूले इस्तेमाल होंगे टी डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से? पहली बात यह है कि पॉपुलेशन पैरामीटर वही है जो पहले था, पॉइंट एस्टिमेटर भी वही है जो पहले था, ये इसी को उसी तरह एस्टिमेट कर रहे हैं, ज्यादा क्या सारा बात उसी तरह है। स्टैंडर्ड एरर का फार्मूला ये तक है अंडर रूट K1 + K2। ये K1 क्या है और K2 क्या है? K1 है S1² / N1 और K2 है S2² / N2। इनफैक्ट आपके बुक में इस तरह K1 + K2 नहीं लिखा गया, बुक में लिखा गया यहाँ पर लिखा गया S1² / N1 और यहाँ पर लिखा गया S2² / N2। मैंने Q1 Q2 क्यों लिखा है? इसकी वजह यह है कि आगे कुछ कैलकुलेशन में मुझे आसानी हो रही है तो इस वजह से मैंने लिख लिया है। बाकी है ये वही चीज, S1² / N1 यहाँ पर है और यहाँ पर S2² / N2 है और इसका पिछले जो स्टैंडर्ड डिविएशन है उससे फर्क सिर्फ यही है कि वहां σ1² / N1 था, यहाँ S1² / N1 है, वहां σ2² / N2 था, यहाँ S2² / N2 है। यानी वहां पर जो पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन नोन थे, चूंकि यहाँ अननोन है तो उनकी जगह हमने सैंपल के स्टैंडर्ड डिविएशन इस्तेमाल कर रहे हैं। ओके ये जो वेरिएबल है x1 bar - x2 bar, पहली बात है कि नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है, लिहाजा जेड स्टैटिस्टिक या जेड डिस्ट्रीब्यूशन इस्तेमाल नहीं होगी, रादर इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड ST। ये एक और डिस्ट्रीब्यूशन है। बहरहाल x1 bar - x2 bar जब ये स्टैंडर्ड डेविएशन नोन ना हो और उसकी जगह सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन इस्तेमाल करें तो इसकी डिस्ट्रीब्यूशन टी बन जाती है, और जब ये टी डिस्ट्रीब्यूशन बन जाती है तो हम टी स्टेटिस्टिक से बाकी सारा काम करेंगे, टी टेबल इस्तेमाल करेंगे। इसके लिए जो टेबल इस्तेमाल करेंगे वो टी टेबल होगी, एक्सेल में भी टी डिस्ट्रीब्यूशन की बातें बार बार करेंगे और इंशाल्लाह इसके लिए जो डिटेल वीडियो मैंने आपको बताई है उसमें ये सारा कुछ मौजूद है। हावेवर इट्स मीन इज उसी तरह उसका मीन μ1 - μ2 है और स्टैंडर्ड डेविएशन का ये फार्मूला है, वही जो वैल्यूज इसकी जगह पुट करते हैं तो स्टैंडर्ड डेविएशन का वही फार्मूला। इसके डिग्री ऑफ फ्रीडम का इस स्टैटिस्टिक टी डिस्ट्रीब्यूशन का एक अहम पैरामीटर होता है जिसको डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कहते हैं। ये बड़ा अहम पैरामीटर है और इसका फार्मूला काफी कॉम्प्लेक्स है। ये K1 और K2 लेने के फायदा ये होता है कि वो फार्मूला जरा आसान हो जाता है। अगर आप ये फार्मूला बुक में देखेंगे तो आपको बहुत कॉम्प्लेक्स लगेगा, ऑलरेडी ये इस K1 और K2 के साथ इतना कॉम्प्लेक्स लग रहा है तो उधर से ये बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स लगता है, ठीक है ना। जरा अंदाजा करें, इधर लिखो S1² / N1, इधर लिखो S2² / N2, अच्छा यहाँ लिखो S1² / N1 और होल स्क्वायर और यहाँ लिखो S2² / N2 होल स्क्वायर, तो बहुत सारा गंद मच जाता है। तो मैंने वो फार्मूले को जरा आसान करने की कोशिश की है। तो ये डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, इसका जो आंसर आएगा वो आप उसको राउंड कर देंगे। मार्जिन ऑफ एरर का तरीकाकार ये है कि आप टी की वैल्यू लेते हैं और स्टैंडर्ड एरर की बात करते हैं, ये वही स्टैंडर्ड डेविएशन है, तो टी से टेबल से आने वाली वैल्यू इसको हम टेबुलेटेड वैल्यू कह देंगे, टेबल से आने वाली वैल्यू और ये जो है स्टैंडर्ड डेविएशन या स्टैंडर्ड एरर, इन दोनों का प्रोडक्ट से आपके पास मार्जिन ऑफ एरर आ जाएगा। कॉन्फिडेंस इंटरवल कैसे मालूम करेंगे? ये वही पॉइंट एस्टिमेट प्लस माइनस मार्जिन ऑफ एरर वही तरीकाकार है। और टेस्टिंग में स्टैटिस्टिक कौन से इस्तेमाल होगा? जो स्टैटिस्टिक इस्तेमाल होगा उसका नाम है टी, विच इज x1 bar - x2 bar डिवाइडेड बाई और ये स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है ना जी। तो फार्मूले मुश्किल नहीं है और खासतौर पे अगर आप फुल क्वेश्चन देखेंगे तवज्जो से देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको मसला मुश्किल नहीं लगेगा। ये अगेन मैं बता रहा हूँ कि ये वीडियो में हम सिर्फ थ्योरी का पोर्शन, सिर्फ फार्मूले ये चीजें कवर कर रहे हैं। इसके साथ जो है ना आप सॉल्व क्वेश्चन वाले जो अलग छोटी छोटी वीडियोस में बना रहा हूँ वो आप ज़रूर देखेंगे। उनको छोटी छोटी वीडियोस बनाने का फ़ायदा यह है कि आप स्पेसिफिकली उस चीज़ के जिसको बाद में जिसकी तैयारी करना हो तो बराह रास्त उस वीडियो को आप देख सकें, हम हाँ जिसको नहीं देखना तो उस पर वक्त ज़ाया ना करें। अच्छा जी, अब फिर अगेन उसी तरह की बात आ गई, इन्फ्लुएंस बिटवीन डिफरेंस बिटवीन टू पॉपुलेशन मीन, तो पहले भी था, दोबारा भी आ गया, फिर तीसरी दफा अब आ गया, लेकिन फर्क यहाँ पर हो जाता है।
अब सबसे पहले वो जो जेड वाला केस था, उसमें आपके पास अगर मैं आपको चले मैं आपको ये सारा एक पेज पर अगर बताऊंगा तो वर्ड में बता सकता हूँ। पहले वाले में इन्फ्रेंस अबाउट म्यू वन माइनस म्यू टू विद नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन था और उसमें हमारे पास इंडिपेंडेंट सैंपल थे, वही म्यू वन माइनस म्यू टू का इन्फ्रेंस था। दूसरे भी म्यू वन माइनस म्यू टू का इन्फ्रेंस था, तीसरा भी म्यू वन माइनस म्यू टू का इन्फ्रेंस था। लेकिन इन तीनों में फर्क क्या है? पहले में यह था कि आपके पास इंडिपेंडेंट सैंपल है, दूसरे में इंडिपेंडेंट सैंपल था। लेकिन यहाँ नॉर्मल से हम काम कर रहे हैं, यहाँ टी से। क्यों? वजह यह है कि यहाँ पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन नोन थे और यहाँ पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन अननोन है, तो ये टी पे चला जाएगा। बाकी ये इंडिपेंडेंट है और ये भी इंडिपेंडेंट है, दोनों इंडिपेंडेंट है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि यहाँ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से काम इसलिए चल सकते हैं क्योंकि पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन नोन है, और यहाँ टी डिस्ट्रीब्यूशन क्योंकि पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन नोन नहीं है, उसकी जगह हम सैंपल के स्टैंडर्ड डेविएशन इस्तेमाल कर रहे हैं, वही जो एस वन स्क्वायर बाई एन वन और एस टू स्क्वायर बाई एन टू हम कर रहे थे, तो वही ये वाला था। तीसरी सूरत वही इन्फ्रेंस अबाउट म्यू वन माइनस म्यू टू और विद टी डिस्ट्रीब्यूशन उसी तरह ही लग रहा है, लेकिन यहाँ फर्क आ गया है कि ये भी इंडिपेंडेंट सैंपल, ये भी, और यहाँ डिपेंडेंट सैंपल, ये वो मैच सैंपल है, बिफोर आफ्टर वाली सिचुएशन है। अभी हम इसकी बात कर रहे हैं। तो ये मैच सैंपल डिपेंडेंस ये है, और इसके लिए डिटेल में आप ये वाली वीडियो देखेंगे वर्क पे जाके, ठीक है ना जी। आप इन्फ्रेंस अबाउट म्यू वन माइनस म्यू टू विद टी डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंडेंट सैंपल, आप ये वाली वीडियो देखेंगे, ठीक है ना जी। यहाँ पर आपको ये लगेगा कि पॉपुलेशन में म्यू वन माइनस म्यू टू को हम कैलकुलेट करके एक वैल्यू म्यू डी बता देते हैं, मीन ऑफ डी। ये डी क्या चीज है? असल में ये जो दो सैंपल है, कुछ मैंने आपको बताया कि ये बिफोर आफ्टर वाली सिचुएशन है, ये बिफोर आफ्टर। बिलफर्ज डाइट पर जाने से पहले एक बंदे का क्या वजन था, फिर कुछ अर्सा डाइट पर रहा, डाइट के बाद उसका वजन क्या हो? उसी बंदे का। मेज सैंपल का यही मतलब है कि पहले जिसका वजन किया बाद में उसी बंदे का वजन किया गया, सिर्फ ये है कि दरमियान में कुछ अर्से वो डाइट पर रहा। तो ये बिफोर और ये आफ्टर। अच्छा, बाकी इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप आफ्टर से बिफोर माइनस करते हैं कि बिफोर से आफ्टर, लेकिन जो एक जगह पे किया तो वो सबके लिए किया, तमाम लोगों के लिए उसी तरह फिर करना। डी आई का मतलब है डिफरेंस ऑफ ऑफ पर्सन आई, डिफरेंस ऑफ पर्सन आई, जो भी सैंपल में पर्सन आ गया, डिफरेंस ऑफ पर्सन आई। तो एक्स एक्स वन उसका पुराना वेट है और एक्स टू उसका बाद का वेट है, या जो भी पुराने मार्क्स हैं नए मार्क्स हैं। सपोज ये हो सकता है कि वो कोई टीचिंग मेथड है, वो टीचिंग मेथड अप्लाई करने से पहले उसके मार्क्स और टीचिंग मेथड अप्लाई करने के बाद मार्क्स, तो ये इस तरह की चीज़ हो सकती है। तो ये डी आई जो है बहुत सारे लोगों का सैंपल में हमारे पास आ जाएगा। इन डी आई का एवरेज जो हम निकालेंगे वो होगा डी बार, और ये डी बार एस्टिमेटर है म्यू टू का, ये पॉइंट एस्टिमेटर है म्यू डी का। इस डी बार का स्टैंडर्ड डेविएशन है या इसका स्टैंडर्ड एरर है एस डी बाई एन अंडर रूट। एस डी इसका सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन है और उसको एन अंडर रूट पर डिवाइड कर ले तो बहरहाल ये इसका स्टैंडर्ड एरर बन जाता है। अगेन डी बार इज नॉट नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, दैट इट इज अप्रॉक्सीमेटली डिस्ट्रीब्यूटेड ए स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब ये टी डिस्ट्रीब्यूशन के मुताबिक डिस्ट्रीब्यूटेड है, नॉर्मल नहीं है। इसका असल मतलब क्या है कि आप स्टैंडर्ड नॉर्मल टेबल इस्तेमाल नहीं कर सकते, आप टी टेबल इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। हाउएवर म्यू डी ये जो डी बार है इसका मीन वही म्यू डी बनता है, मीन इसका भी वही बनता है और स्टैंडर्ड डेविएशन इसका वही है, ठीक है। एस डी बाई अंडर रूट एन, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन भी हमें मालूम है, और इस डी बार का डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हमारे पास टी डिस्ट्रीब्यूशन की एक अहम चीज़ होती है, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, ये हमारे पास इस केस में एन माइनस वन के बराबर है। एन क्या है कि हमारे सैंपल में पेयर्स कितने हैं, ठीक है ना जी। हमारे सैंपल में एक्स वन और एक्स टू, एक्स वन आई माइनस एक्स टू आई, ये एक पेयर कंसिडर होता है, तो हमारे पास कितने पेयर्स हैं। तो डियर स्टूडेंट, अब इसके सिलसिले में जो है ना हम वो बाकी काम किस तरह करते हैं। मार्जिन ऑफ एरर का ये फार्मूला है, अगेन ये स्टैंडर्ड एरर है और ये टी टेबल से कैलकुलेटेड वैल्यू, तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, यू गेट मार्जिन ऑफ एरर। कॉन्फिडेंस इंटरवल कैसे मालूम करते हैं, ये बेसिकली आप पॉइंट एस्टिमेट प्लस माइनस मार्जिन ऑफ एरर,
टेस्ट स्टैटिस्टिक, टेस्टिंग में टेस्ट स्टैटिस्टिक जो इस्तेमाल होगा वो होगा डी बार डिवाइड बाई स्टैंडर्ड एरर डिवाइड, यानी डी बार डिवाइड बाई स्टैंडर्ड एरर। तो एग्जैक्टली एक ही किस्म के फार्मूले हैं जो मुसलसल चल रहे हैं। आपको ये फार्मूला पिछलों से मुख्तलिफ नजर आता है, लेकिन जब आप इस तरह तवज्जो देखते हैं कि ये वही पॉइंट एस्टिमेट है और ये मार्जिन ऑफ एरर है, तो पता चलता है कि ये तो वही बात है, बस सिर्फ ये है कि यह मार्जिन का ऑफ एरर का फार्मूला और पॉइंट एस्टिमेट, लेकिन बेसिक फार्मूला एक ही रहता है। अच्छा जी, अब आखिरी केस में आते हैं, इन्फ्रेंस अबाउट द डिफरेंस बिटवीन टू पॉपुलेशन प्रोपोर्शन। ये इस 10.4 है और लास्ट सेक्शन है इस चैप्टर का, और इनके हवाले से जो वीडियो मैं अपलोड करूंगा तो वो ये वाली होगी, फोर्थ वाली, इन्फ्रेंस अबाउट पी वन माइनस पी टू। ये पिछले सब में और इसमें फर्क क्या है, इसमें अगर आप गौर करें यहां पर भी इन्फ्रेंस अबाउट म्यू वन माइनस म्यू टू, म्यू वन माइनस म्यू टू, म्यू वन माइनस, सारे पॉपुलेशन मीन के डिफरेंस को एस्टिमेट कर रहे हैं, और यहां पॉपुलेशन प्रोपोर्शन के डिफरेंस को एस्टिमेट किया जा रहा है, तो ये उनसे डिफरेंट है। इंशाल्लाह इसकी वीडियो भी मैं अपलोड करूंगा, तो लिंक में यहां रख दूंगा, यहां मैं लिंक रख दूंगा, ठीक है ना जी। इसके तो ये इसके लिए बहरहाल जो थोड़ी बहुत थ्योरी है वो मैं यहाँ कवर कर रहा हूँ, और इसकी डिटेल जो है, डिटेल वीडियो जिसमें सॉल्व क्वेश्चन है, वो आप ये वाला देखेंगे इंशाल्लाह, वर्क पे जाके ये उसका टाइटल है, इन्फ्रेंस अबाउट पी वन माइनस पी टू विद नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना जी। और बाकी आपके पास जिन्होंने, आप लोगों ने पहले से ही मेरे साथ प्रोपोर्शन वगैरह पढ़ रहे हैं, तो आपको ये एक बेसिक शर्त मालूम है के एन वन पी वन हो या एन टू पी टू हो, या एन वन इंटू वन माइनस पी वन हो या एन टू इंटू वन माइनस पी टू हो, ये जितनी भी वे वैल्यूज आ रही हैं ऑल ऑफ देम शुड बी ग्रेटर देन फाइव, तभी आप जेड डिस्ट्रीब्यूशन से या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से ये एस्टिमेशन कर सकते हैं। बाकी ये उसका पॉपुलेशन पैरामीटर है, ये पॉपुलेशन की वैल्यू है जो अननोन है, और ये इसका पॉइंट एस्टिमेटर है सैंपल के बेस पे, P1 बार माइनस P2 बार से आप इसको एस्टिमेट करते हैं, ये इसका स्टैंडर्ड एरर का फार्मूला है। अगेन P1 बार माइनस P2 बार इज अप्रॉक्सीमेटली नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, तो इसका मतलब आप जेड टेबल इस्तेमाल कर सकते हैं, मीन इसका वही P1 माइनस P2 है, और ये उसका स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला है या स्टैंडर्ड एरर का फार्मूला है, ये मार्जिन ऑफ एरर का उसी तरह फार्मूला, ये जेड टेबल से कैलकुलेटेड वैल्यू, ये स्टैंडर्ड डेविएशन, कॉन्फिडेंस इंटरवल का फार्मूला है, ये पॉइंट एस्टिमेट, और ये प्लस माइनस जो है ना मार्जिन ऑफ एरर। और ये एक आज छोटी सी बात आ गई है इसमें टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस के हवाले से, कि जब हम टेस्टिंग करते हैं तो हम एक एजम्पशन लेते हैं कि पी वन पी टू के बराबर है, जब पी वन और पी टू के बराबर है तो हम एक ओवरऑल कह देते हैं कि ये पूरा जो हमारा पी वन हमने अलग सैंपल लिया, पी टू अलग सैंपल लिया, दो पॉपुलेशन का, हम क्या करते हैं कि दोनों पॉपुलेशन को सैंपल्स को मिलाकर हम एक बड़ा सैंपल उनको कंसिडर कर लेते हैं, और उस बड़े सैंपल से हम पूल्ड एस्टिमेट निकाल लेते हैं पी वन और पी टू के बजाय, एक तो पी वन भी कैलकुलेट करते हैं पी वन बार और पी टू बार, और एक पूल्ड एस्टिमेट ओवरऑल हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ये पूल्ड एस्टिमेट फार्मूले में यहाँ पर टेस्टिंग में इस्तेमाल होता है, और पी वन बार और पी टू बार भी इधर इस्तेमाल होते हैं, बार ही हमारे पास टेस्ट स्टैटिस्टिकल जो टेस्टिंग में इस्तेमाल होता है। अगेन मैंने डियर स्टूडेंट आपको बता दिया कि ये तमाम ये मौजूदा प्रेजेंटेशन तो सारी थ्योरी के हवाले से, और इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन, इसका न्यूमेरिकल्स, उसके लिए मैंने अलग वीडियो बनाई हुई हैं, वो अपलोड करके मैं आपसे अलग तौर पे उनका लिंक शेयर करूँगा। इस तरीके से आप थ्योरी को अलग पढ़ सकेंगे और उसके न्यूमेरिकल एक अलग जगह पर देख सकेंगे, बल्कि आप ये भी कह सकते हैं कि एक विंडो में थ्योरी को ओपन किया हुआ है और थोड़ी सी देर के लिए थ्योरी देख ली, और साथ में पैरेलल में दूसरी विंडो में आपने उसका न्यूमेरिकल ओपन किया हुआ है, और साथ साथ वो देख रहे हैं और दोनों का कंपेयर भी कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह आपको इसमें भी बड़ी सहूलत होगी। सो थैंक यू फॉर बीइंग विद अस, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। ये एक स्टूडेंट आया हुआ है, देखता हूँ इसका क्या मसला है, फिर इंशाल्लाह फिर बाद में मुलाकात होगी। अस्सलाम।